इस जीदारी की वजह जान सकता हूँ? जीदारी नहीं सर, बस मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे सजा दिलवाएं। बैठो। कब से गाड़ियां चुराने का काम कर रहे हो और अब क्यों छोड़ना चाहते हो? ये काम नहीं करता मैं सर, बस यही एक गाड़ी चुराई थी मैंने। खुद चलकर आने की वजह मैं जान सकता हूँ? सर छोड़े सर, बस यूं समझे कि आपने कहीं रेड मारी और मुझे गिरफ्तार कर लिया। किसी खास मकसद से आए हो यहाँ पे? नहीं सर, बस एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए खुद चला आया आपके पास। चाहता हूँ कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है आप मुझे दिलवाएं। सुना है गलतियों की सजाएं अगर काटो तो वो खत्म हो जाती है। किसी अच्छे घराने के बच्चे लगते हो, लेकिन बुरी सोबत ने बिगाड़ दिया तुम्हें, है ना? जी, लेकिन अब वो सोबत छोड़ दी मैंने सर। इंशाल्लाह आइंदा कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। महसूस हो रहा है कि जैसे तुम खुद गिरफ्तारी देने आए हो अपने जुर्म पर नादिम हो। पुलिस और कचहरी का मकसद भी यही होता है। अगर तुम मुझसे एक वादा करो आइंदा किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। नहीं सर, आप मुझे गिरफ्तार करें, मैं यहां गिरफ्तारी देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सजा काटूं, मुझे मेरा एहसास जुर्म चैन नहीं लेने देता। प्लीज सर, प्लीज मेहरबानी करें, मुझे लॉकअप में डालें, सजा दे मुझे। लगता है कि गहरी चोट खाई है दिल पर तुमने। अब लॉकअप के अंदर रहो या लॉकअप के बाहर, कैदी तो तुम बन चुके हो, इश्क के कैदी। तुम्हें दुनिया का कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। जाओ, तुम्हारा दोस्त भी रात है यहाँ पे। निजामुद्दीन, इसको इसके दोस्त के पास ले जाओ। जी सर, जी सर।